कांग्रेस के मंत्री ने अपनी दुश्मन देश की दोस्ती निभाने के लिए अपने देश को पीछे छोड़ के बॉर्डर पार चले गए। चलो, देशवासियों में नाराजगी तो थी, लेकिन इसको सोचते हुए कि पर्सनल इनका है तो पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं और इधर से पॉलिटिकल क्लियरेंस उनको पर्सनल कैपेसिटी में मिल गई। लेकिन देशवासी हैरान रह गए कि उधर स्वेरिंग इन सेरेमनी में एक सेकंड में जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ, उस जर्नैल, पाकिस्तानी जर्नैल के साथ जो रोज हुक्म देता है हमारे जवानों को शहीद करके गले काटने के लिए, रोज जो हुक्म देता है, उनको मिलते सारी उनको जफ्फी उनके गले पर गले लगा लिया। और ये ऐसे देशवासियों के भावनाओं पे नमक छिड़कने का क्या, ये रोज किसी से बर्दाश्त नहीं किया गया कि हमारा कांग्रेस का मंत्री, इस देश का कांग्रेस का मंत्री जाके दुश्मन को, उस जनरल को गले लगाए जो जनरल रोज माओ के बेटों को, जवानों को, हमारे लोगों को कत्ल करने के हुक्म देते हैं। तो इसका जब रोज प्रकट हुआ और ये कांग्रेस मंत्री ने देखा कि कैसे कितने बड़े तादाद पे लोग नाराजगी दिखा रहे, जब वापस भी आ रहे थे, जब वापस अपने पंजाब वापस आए तो काली झंडियों से उनका स्वागत किया गया, कोई एक इंसान ऐसा नहीं था, सारा नेशनल मीडिया इससे नाराज था कि दुश्मन देश में आप पहले जाते हैं और उसके बाद उसको गले लगाते हैं जो हमारे लोगों को, मतलब ये तो आप दुश्मन के हैं कि अपनों के हैं, इतनी बड़ी गद्दारी देश के साथ कौन कर सकता है। तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि एक इंसान अपनी गलती को छुपाने के लिए देशवासियों से माफी मांगने के बदले ऐसी भावनाओं से खेलबाड़ किया कि जाने के टाइम कोई इसकी चर्चा नहीं, कोई स्वेरिंग में किसी से मिलता है तो वो एक सेकंड में, अभी नई सरकार बनी भी नहीं है, नए प्रधानमंत्री ने उस देश के ये फैसला किया नहीं किया, कोई फैसला ही नहीं लिया क्योंकि स्वेरिंग इन नहीं हुई है, और इनको कोई चीज कन्वे कर दी गई, आके हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मैं गले जर्नैल बाजवा, जो पाकिस्तान के जर्नैल के गले इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि करतारपुर कॉरिडोर, जो एक सिखों की एक धार्मिक भावना के साथ बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, कई सैकड़ों सालों से ये मांग रखी गई है कि जहां गुरु नानक देव जी के स्थान है वहां पे ये कॉरिडोर खोला जाए और श्रद्धालु को आना जाना की मंजूरी दी जाए, लेकिन किसी पाकिस्तानी सरकार ने आज तक इसमें कोई हाथ, कोई पल्ला नहीं फड़ाया, कोई बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन ये कांग्रेस के मंत्री आते सारी कहते मैं तो गले लग गया क्योंकि मुझे देखते ही जनरल ने कह दिया कि तुमको ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हमने फैसला कर दिया। कोई कागज पत्तर ये कांग्रेस मंत्री दिखा नहीं सके, लेकिन अपने सियासत को चमकाने के लिए बयान के ऊपर बयान के ऊपर बयान, लेकिन कागजी कार्रवाई कुछ भी नहीं। तो मैंने पिछले हफ्ते 13 तारीख को सुषमा जी को एक चिट्ठी लिखी कि मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आई हैं और ऐसे दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार मंजूरी दे गई है करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए और हमारी सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं रही है, तो आप जरा इस पे मुझे इनलाइटन करिए कि क्या पाकिस्तानी सरकार से, जो हम श्रोमणी अकाली दल स्टार प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने विधानसभा में भी रेजोल्यूशन पास कर दिए, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारों ने रेजोल्यूशन पास किए, मैंने सब अटैच कर दिए कि कितने सालों से हमारी ये मांग है और आप भी जानती हैं, क्या इसमें कोई बातचीत आगे बढ़ी है और आप इसको जल्द से जल्द इसको आप करवाने में अपना योगदान डालिए क्योंकि ये खबरें आई हैं। मेरे तो कल पैरों थले जमीन ही हिल गई जब मुझे शाम को सुषमा जी की ये चिट्ठी मिली जिसमें सुषमा स्वराज जी, जो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कोई ऐरे गैरे कांग्रेस की मंत्री, बहुत जिम्मेदार मंत्री, वो जब मुझे चिट्ठी लिख के बोल रही हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि पाकिस्तान ने ना कोई ऐसी बात करी, ना कोई संदेशा दिया, ना कोई खोलने, बल्कि जो 1947 की ये बायलैटरल की प्रोटोकॉल है, 1974 की बायलैटरल प्रोटोकॉल है जिसमें श्रद्धालुओं को आगे पीछे जाने दिया जाएगा, ये तब से उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। मैंने MS गिल साहब को, जिन्होंने हर संभव प्रयास किया है इस मुद्दे के लिए, ही मेड एवरी एफर्ट एट एवरी प्लेस व्हिच वाज रिक्वायर्ड, आई सेड विल यू अकॉम्पनी मी, सो ही सेड यस फॉर अ कॉज I will, and he did come. I'm very thankful to him कि वो भी मेरे साथ
बहन जी को मिलने गए। वहां मैंने ये चिट्ठी उन्हें दी है, मैं उसे पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डियर सुषमा बहन जी, दिस इज अ फॉलो अप ऑन माई लेटर टू यू डी ओ नंबर सो एंड सो डेटेड सेप्टेम्बर सो एंड सो आफ्टर द वर्बल अश्योरेंस गिवन बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई अटेंडिंग द ओथ टेकिंग सेरेमनी इन इस्लामाबाद, the honorable prime minister of pakistan has held consultative meetings with all stakeholders confirming to the long standing desire of sikh pilgrims yearning to visit kartarpur sahib and that it will be fulfilled as they are ready to open the corridor. This was reiterated by mr fawad chaudhry, information minister of pakistan, through a tweet and video interview to the bbc punjabi on 7 september 2018 in which he stated that Pakistan is willing to open up the corridor and is waiting for India's formal affirmation on the issue. Kindly send a formal request from the Ministry of External Affairs. That is what I have exhorted her. Aur unhone mana bhi hai. Main aapko bataunga ki unhone kya kaha. Kindly send a formal request from the Ministry of External Affairs to the government of Pakistan requesting for an early agreement and opening of the Kartarpur passage immediately after the current monsoon season. I explained to her about the necessity of the opening of the Kartarpur corridor. She said that the draft is being prepared. Main draft banwa rahi hu aur main chitthi likhungi. I am hoping for a very positive response.